बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अज़र रबानी कुकिंग विद रबानी में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर्स, आज मैं आपको बहुत मज़े की, बहुत जल्दी तैयार होने वाली और बहुत आसान तरीके से तैयार होने वाली पीनट बटर कुकीज़ की रेसिपी देने लगा हूँ, जो कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चले आए जल्दी से हम अपने इन्ग्रीडियंट्स नोट करते हैं और कुकिंग की तरफ जाते हैं। और कुकिंग की तरफ जाने से पहले प्लीज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को देखा करें और मेरी वीडियोस और रेसिपीज के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। तो चले आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, चले आए हम अपने मिक्सर जार के अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और उसको मिक्स करते हैं। मैंने वन थर्ड कप बटर ले लिया है। आपने इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आप नहीं यूज़ करेंगे, उससे जो आपकी जो बिस्किट्स हैं, जो कुकीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड पतले पतले से बनेंगे और उसमें से ऑयल लीक होने का डर होगा। उसके बाद मैंने 1/3 ब्राउन शुगर ले लिया, 1/3 कप, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और उसके साथ ही मैंने 1/3 कप वाइट शुगर ली है पिसी हुई। आप रेगुलर शुगर लेके उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर यूज़ कर रहा हूँ 1/3 कप। और इसको हम अच्छे तरीके से पहले ब्लेंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और बटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं 1/2 egg जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगा। मैं पूरा एग इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी जो बेकिंग ट्रे है वो छोटी है, तो उसके अंदर जो पीनट बटर कुकीज़ हैं वो थोड़े कम बनेंगे, तो इसलिए मैंने कम इसका मिक्सचर जो अमेज़ है वो तैयार करना है। तो मैंने 1/2 जो है एग वो इसके अंदर डाला है और अब उस 1/2 egg के साथ फिर इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो आधा अंडा 1/2 egg जो लिया था वो हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इस स्टेज में हम 1/3 कप पीनट बटर जो है वो ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का पीनट बटर ले सकते हैं। 1/3 कप आप इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ब्लेंडर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पीनट बटर भी बीच में अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, वो हम 1/2 कप मैदा इसके अंदर डालेंगे। विविध मैदा के साथ हम 1/3 जो है बेकिंग सोडा पहले डालेंगे, 1/3 teaspoon, और उसके बाद 1/3 teaspoon हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/3 teaspoon ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और अब इसको हम पहले ब्लेंडर के साथ हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाथों से इसको थोड़ा सा पेस्ट को जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के बराबर लाएंगे। तो हम पहले इसको ब्लेंड कर लेते हैं हल्का सा। अल्हम्दुलिल्लाह जी वीवर्स, हमारा पीनट बटर कुकीज़ के लिए जो मिक्सचर है वो हमारा जो अमेज़ा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। वीवर्स, यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा मसला हो गया था। मैंने 1/2 कप मैदा इसके अंदर ऐड किया था, उससे जो मेरा मिक्सचर था वो बहुत ज़्यादा रनी था, लिक्विड सा हो रहा था। तो मैंने 1 कप मैदे की इसके अंदर और ऐड की है और उसको मैंने हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंद लिया है। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्चर इसका बन गया। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो मैं फ्रिज में रख रहा हूँ और इसको कवर करके, और फिर उसके बाद इसको बेक कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो हमने पीनट बटर कुकीज़ के लिए जो मिक्सचर तैयार किया है वो हमने फ्रिज में रख दिया है 20 मिनट के लिए। इसी दौरान हम अपनी ट्रे रेडी कर लेते हैं। ट्रे को हमने हल्का सा ग्रीस करना है कुकिंग ऑयल के साथ, ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपने नहीं लगाना। और ग्रीस करने के बाद हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है और बटर पेपर लगा के हमारी ट्रे जो है वो रेडी हो जाएगी।
और उसके बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर रख देते हैं। बटर पेपर को हम एडजस्ट कर लेते हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो बेकिंग ट्रे है मेरे पास थोड़ी छोटी है, इसलिए हम थोड़े कम कुकीज बना रहे हैं। और इसके बाद हम अपनी जो है जो बर्तन है जिसके अंदर हम बनाएंगे उसको, हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं, वो मैं सारा आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मेरी जो बेकिंग ट्रे है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताता जाऊँगी, मेरी बेकिंग ट्रे जो है वो थोड़ी छोटी है, इस वजह से मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया, इसीलिए थोड़ी सी मेरी असेसमेंट भी गलती हो गई थी। और पहले मेरा जो पीनट बटर कुकीज़ का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा रनी हो गया था, उसके अंदर मैंने फिर एक कप मैदे का और ऐड किया है, यानी कि मैंने टोटल 1.5 कप मैदा इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और उसके साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ दोबारा से ऐड नहीं की, जो भी मेरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाकी मेजरमेंट है वो बाकी सेम रहेगी, लेकिन मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा एक्स्ट्रा डाला है, यानी कि मैंने 1.5 कप मैदा कर लिया है। तो चले आए, अब हम अपना जो पैन है जिसके अंदर हमने इसको कुक करना है वो रेडी करते हैं और उसके बाद फिर कुकीज़ बनाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम लोगों ने एक कढ़ाई ले ली है खुली सी, उसके अंदर मैंने नमक डाल लिया है, एक छोटा सा स्टैंड रख लिया है, और उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे चूल्हे को ऑन कर देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद इसको मैं ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर लेते हैं, और इतनी देर में हम अपनी कुकीज तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारा जो मिक्सचर है, जो अमेजा है, वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके बिस्किट्स की शेप्स बनाते हैं, राउंड राउंड बॉल बना लेंगे और फिर उसके बाद इसकी शेप बनाते हैं और ट्रे में इसको डेकोरेट करके रखते हैं और फिर इसको बेक करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने अपनी ट्रे में कुकीज रख ली हैं, अब इसको हम शेप दे देते हैं और ये मिक्सचर हमारा बच गया, हम इसको एक टर्न और करेंगे और एक बार दोबारा ट्रे में इसको बेक कर लेंगे। अब आपने अपना एक अच्छा सा फॉग ले लेना है, कांटा ले लेना है और उसके साथ इस तरह इसको प्रेस करना है दोनों साइडों से, और इस तरह इसकी अच्छी सी शेप बनती जाएगी। इसी तरह आपने इन सारों को प्रेस कर लेना है। पीनट कुकीज बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। इनमें हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है, वो इसलिए कि ये गैप रखेंगे क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये थोड़े से फूल जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा डाला हुआ है। तो चले आए, इसको अब बेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पैन जो है वो प्री हीट हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर हमने जो अपनी ट्रे ली थी वो इसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये गर्म होता है, इससे हाथ जलने का भी डर होता है। और अब हम इसको कवर कर लेते हैं और 30 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो 30 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं और फिर देखते हैं कि कुकीज हमारी रेडी हो गई हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स, हमें 25 से 30 मिनट हो गए हैं कवर किए हुए। अब हम इसका ढकना उठाते हैं और देखते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुकीज बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करते हैं और फिर इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारी कुकीज कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारी कुकीज जो है वो ठंडी भी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं, उठा के देखें कितनी जबरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है हमारी ये कुकीज। तो आखिर में इजाजत दें अज़र रब्बानी को, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खानों में बरकत डाले, लज़त डाले। अल्लाह हाफिज़।